रेप्लिकॉन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए जो भी CSIR नेट के एस्पायरेंट हैं उनके लिए ऑनलाइन हमने एक नई यूनिट की शुरुआत की है। यूनिट का नाम रहेगा मॉलिकुलर बायोलॉजी। मॉलिकुलर बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे और फ्रीक्वेंटली कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम अभी यहाँ पर मेंशन करेंगे। एग्जाम के अपने जो CSIR नेट का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है मॉलिकुलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी। मैं थोड़ा सा आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो है दोनों में देखना पड़ेगा अपने को, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोकैरियोट्स में भी देखना पड़ेगा अपने को और यूकैरियोट्स में भी देखेंगे ना हम ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो आपका mRNA बन जाएगा तो mRNA की अपने को फिर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तो टॉपिक आएगा बीच में RNA प्रोसेसिंग। RNA प्रोसेसिंग के बाद में mRNA बन जाएगा, फिर पढ़ेंगे उसका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है ये हमको प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ना है और यूकैरियोट्स में भी पढ़ना है। इसमें RNA प्रोसेसिंग में आपका mRNA एडिटिंग, स्प्लाइसिंग, 5' कैपिंग, टेलिंग, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा इसमें। mRNA एडिटिंग, स्प्लाइसिंग, और पॉली एडिनाइलेशन, हाँ ये RNA प्रोसेसिंग में कवर करेंगे इसको। ट्रांसलेशन के बाद में फिर आते हैं आपके ट्रांसपोजोन या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। इसके बाद में हम कवर करेंगे इसमें रिकॉम्बिनेशन और देखेंगे इसमें ओपेरॉन। ओपेरॉन के बाद में देखेंगे इसमें, इस रिकॉम्बिनेशन में एक इम्पोर्टेंट आता है क्रीलॉक्स और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। और इन सब में जो है इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा वो रहेंगे आपके वेरियस ड्रग एंड इनहिबिटर ऑफ, ये पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टर्म लिख देता हूँ ना, क्योंकि रेप्लिकेशन के भी कुछ ड्रग होते हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शन के होते हैं, कुछ ट्रांसलेशन के ड्रग होते हैं, तो इन सबको मिला के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेरियस ड्रग इन मॉलिक्यूलर बायो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जितने भी ड्रग्स आएंगे इन सबको अपन कमांडली एक साथ देख लेंगे। और इम्पोर्टेंट बात इसमें जो भी आपके रेगुलेशन पॉइंट आ जाए कहीं भी, अगर चाहे वो रेप्लिकेशन का रेगुलेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन हो या ट्रांसलेशन का रेगुलेशन हो, कहीं भी अगर रेगुलेशन टर्म आ जाता है तो आप मेन टॉपिक को स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको रेगुलेशन को कहीं भी स्किप नहीं करना है, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस का हो, क्रैब साइकिल का हो, ETS का हो, या मॉलिकुलर बायोलॉजी में कहीं भी रेगुलेशन टर्म आपको देखने को मिल जाए तो आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बनने के लिए पहली जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होता है, रेगुलेशन होता है। तो रेगुलेशन से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। दूसरा देखो ओपेरॉन जो है यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा ना, हर साल कोई भी ईयर ऐसी नहीं जब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हो। रेगुलेशन क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ड्रग में क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से, है ना। और RNA प्रोसेसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, RNA प्रोसेसिंग से क्वेश्चन बनेगा, बाकी एक एक क्वेश्चन तो सब टॉपिक से बनना ही है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन बाकी। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे रेप्लिकेशन बड़ा है, ट्रांसक्रिप्शन भी ब्रॉड है, लेकिन RNA प्रोसेसिंग, ओपेरॉन,
और ये वेरियस ड्रग और रेगुलेशन जो हैं इतने ब्रॉड टॉपिक नहीं है, तो इनको अपन ईजिली कवर कर सकते हैं और क्वेश्चन भी यहाँ से ईजी टाइप के ही बनते हैं। आपको डायरेक्ट कॉपी नोट से क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें, है ना, बाहर से कहीं भी किसी भी ऑथेंटिक बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिया जाएगा ये बिल्कुल ऑथेंटिक बुक का होगा, तो इसलिए आपको बाहर से थ्योरी के लिए कोई भी बुक परचेज करने की या रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको करना है तो केवल क्या करना है, मैं आपको बुक का नाम बता दूंगा। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए मार्केट में बुक आती है अभी फ़िलहाल में जो चल रही है लेटेस्ट, कैटलिस्ट नाम से बुक है ना। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कैटलिस्ट से, इसमें ईयर वाइज नहीं देखे, इसमें यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें ईयर वाइज नहीं देखे, यूनिट वाइज दिए गए हैं। तो जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया, जैसे सपोज करो आपने आज रेप्लिकेशन पढ़ा, तो रेप्लिकेशन पढ़ने के बाद में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल इतनी सी बनती है कि कैटलिस्ट से मॉलिकुलर बायोलॉजी निकाल के रेप्लिकेशन के क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं अपने एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। और आप अगर बुक पढ़ सकते हो, बुक तो पढ़नी नहीं है, केवल एमसीक्यू की बात चल रही है यहाँ पे ना, पाथ फाइंडर की एमसीक्यू भी आती है अभी मार्केट में, जो एमसीक्यू है पाथ फाइंडर की उसका लेटेस्ट वर्जन जो है 7th एडिशन है। ध्यान दें, मतलब जो ये 7th एडिशन बताया है मैंने, ये केवल किसके लिए बताया है, एमसीक्यू के लिए बताया है। थ्योरी के लिए आप परचेज करना चाहते हो तो वो 8th एडिशन आ चुका है ना मार्केट में, लेकिन थ्योरी के लिए आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो थ्योरी वाला मैटर है वो हम यहाँ पूरा प्रोवाइड कराएंगे, आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक परचेज करनी है। ये आपकी मर्जी है, पाथ फाइंडर वाले ले तो बहुत बेटर है, अगर नहीं लेते हो तो आपको अगर केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं ओनली नेट में आए हुए तो ये कैटलिस्ट वाली बुक अभी बेस्ट रहेगी। अभी हमारी बुक का काम अभी पेंडिंग में चल रहा है, हमारी अभी कोई बुक नहीं आई है, जब आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे ना। तो इसको तो आप नोट कर लोगे ना, कैटलिस्ट का अपने को लाना है। अभी मार्केट में शायद इसका जो है 13th एडिशन आ चुका है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, केवल CSIR नेट में आए हुए क्वेश्चन ही मेंशन कर रखे हैं। तो आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट या अमेजन से ये बुक परचेज कर लेना। अगर आप ये बुक परचेज कर लेते हो तो आपको हमारी वीडियो का थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं तो क्या है कि केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। अगर आप सीरियसली नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप सीरियसली नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप पूरा टाइम थ्योरी में देते हो तो आप कितना भी पढ़ लो, किसी भी ऑथेंटिक बुक से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको जितना टाइम थ्योरी पे देते हो उससे ज़्यादा टाइम जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दोगे तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप थ्योरी में ही लगे रहोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है ना, ये बिल्कुल गारंटी वाली बात है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब अपन क्या करेंगे, आज रेप्लिकेशन की शुरुआत करते हैं ना, प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन। दूसरी काम की बात क्या है कि इसमें आपको वीडियो में बिल्कुल भी ऐसा नहीं मिलेगा, अपनी जो पूरी वीडियो है ये बिल्कुल सीरीज वाइज आएंगी, सीरीज वाइज वीडियो मिलने वाली हैं आपको, बिल्कुल लेक्चर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। अभी हमने जेनेटिक्स की वीडियो भी अपलोड कर दी है, अगर आप वो भी यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो बिल्कुल सीरीज वाइज बाकायदा हमने प्ले लिस्ट बना के वीडियो डाली हुई है। आपको जेनेटिक्स देखनी है तो आप सर्च कर सकते हो जेनेटिक्स रेप्लिकॉन के नाम से, वो आपको मिल जाएगा। ऐसी ये पूरी वीडियो जो है हम बिल्कुल बाकायदा प्ले लिस्ट बना के ही डालेंगे। आपको करना क्या है, बस आपको जो हमारा चैनल है बस उसको सब्सक्राइब कर लेना है, रेप्लिकॉन अकेडमी वाले चैनल को। अगर आपको तुरंत नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हो, और आपको पर्टिकुलर जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है, थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो आपको मिलता रहेगा। थ्योरी हम यहाँ पे करवाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारी अलग से कंप्यूटराइज क्लास रहेंगी, वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा आपको अभी एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने डायरेक्ट क्वेरी और क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हो, आपको उसका भी रिप्लाई मिलेगा।
तो अगर ये नोट कर लिया हो तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। अब अपन चलते हैं रेप्लिकेशन की ओर। अब हम बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किसकी शुरुआत करेंगे? रेप्लिकेशन की शुरुआत करेंगे ना। तो अभी मैं यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी अपन एक कॉमन चर्चा करेंगे ना रेप्लिकेशन के लिए। तो जैसे आप जानते होंगे ना, रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। बिल्कुल मैं जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ। चाहे कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो या नेट की प्रिपरेशन कर रहा हो, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने पास में कोई डीएनए है, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हो गए ना, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम और 3 प्राइम। अभी अगर इस डीएनए का हम रेप्लिकेशन करें, अगर अभी इसका रेप्लिकेशन करते हैं तो एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे। दो स्ट्रैंड है तो चार स्ट्रैंड हो जाएंगे टोटल। लेकिन चार स्ट्रैंड जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे, मतलब एक स्ट्रैंड तो पुराना वाला रहेगा और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होगा। ऐसे यहाँ पे एक स्ट्रैंड पुराना वाला है और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज है। तो एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होने की वजह से ही इसको अपन क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव नेचर या सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसका मतलब अपना जो आधा डीएनए है वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये तो हो गया सेमी कंजर्वेटिव का मतलब। बाकी इसके लिए और भी थ्योरी दी गई है, जैसे कि डिसरप्टिव थ्योरी और एक है कंजर्वेटिव मॉडल। लेकिन जो मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल है वो कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर वाला मॉडल है। इसके बेसिस पे आपके पार्ट बी जो होता है उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको, क्या बोलेगा वो कि ये कोई डीएनए था और इसको अभी ऐसे कल्चर मीडिया में रखा गया है जिसमें जो नाइट्रोजन बेस है वो कौन सा है? N14 वाला है। इस डीएनए में नाइट्रोजन बेस कौन सा है? N14 वाला है। अब इस डीएनए को निकाल के, अब इसको N14 से निकाल के अपन शिफ्ट कर देते हैं किसमें? N15 वाले कल्चर मीडिया में शिफ्ट कर देते हैं। तो आफ्टर वन साइकिल आपको क्या देखने को मिलेगा? तो अभी तक तो इसमें दोनों स्ट्रैंड कैसे थे? N14 वाले थे। लेकिन अब यहाँ कल्चर मीडिया में अपन ने नाइट्रोजन बेस N15 वाला अवेलेबल कराया है, तो जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा उसमें तो N15 वाला आएगा नाइट्रोजन बेस, और जो पहले से ही अपने पास में प्रेजेंट था पेरेंट स्ट्रैंड वो कैसा रहेगा? N14 वाला रहेगा। तो सपोज करते हैं कि ये तो अपने दोनों स्ट्रैंड थे कौन से? N14 वाले। लेकिन अब जो न्यूली सिंथेसाइज होंगे स्ट्रैंड वो कैसे होंगे? N15 वाले। अपने पास में पहले डीएनए था N14 वाला, अब दो स्ट्रैंड बन गए। अब क्या होगा? वापस से इनका रेप्लिकेशन होगा। ये तो आफ्टर वन साइकिल। अब आफ्टर दो साइकिल की बात करते हैं ना। दो साइकिल के बाद में क्या होगा? आफ्टर टू साइकिल। तो देखो, अब ये दोनों स्ट्रैंड वापस से अलग अलग हो जाएंगे। ये अपने पास में चार स्ट्रैंड हो गए, जिनमें से अपने जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ये तो N14 वाले थे और ये N14 वाले थे। अब जो न्यूली सिंथेसाइज होंगे ये कैसे होंगे? जैसे इस पर ये न्यूली सिंथेसाइज हो गया, ये कैसा होगा? N15 वाला। इस पर जो न्यूली सिंथेसाइज हुआ ये कैसा होगा? ये तो पहले से N15 था ही, ये नया वाला कैसा होगा? N15 वाला। ये N15 वाला था,
इस पर न्यूली सिंथेसाइज होने वाला एन 15 वाला, इसके ऊपर एन 15 वाला। तो अभी अपने पास में शुरू में एक डीएनए था, शुरू में जब अपन ने रेप्लिकेशन से पहले बात की थी तो दोनों स्टैंड कैसे थे, एन 14 वाले थे। आफ्टर वन साइकिल चार स्टैंड बने। अभी जो एन 14 एन 14 वाला है इसको अपन बोलते हैं लो डेंसिटी डीएनए। ये जो आपका बना है ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले, और ये कैसा है, ये भी इंटरमीडिएट है। इसी को अपन हाइब्रिड भी बोलते हैं ना, इंटरमीडिएट को इंटरमीडिएट या हाइब्रिड डेंसिटी। ये डीएनए कैसा है, इंटरमीडिएट। अच्छा ये वाला कैसा है, N15 वाला, ये हो जाएगा आपका हाई डेंसिटी वाला। ये भी कैसा है, हाई डेंसिटी या हैवी डेंसिटी। ये कैसा है, हैवी लिख लो यहाँ पे ना, HEAVY। ये भी है हैवी डेंसिटी, ये वाला हाइब्रिड हो गया नीचे वाला, और ये दोनों हैवी, ये वाला हाइब्रिड। तो अब अगर वन साइकिल की बात करें तो वन साइकिल के बाद में ऑल डीएनए कैसे होंगे, ऑल डीएनए कैसे होंगे, हाइब्रिड। आफ्टर टू साइकिल तो ये हाइब्रिड और ये दोनों बीच वाले हैवी डेंसिटी वाले। तो आफ्टर टू साइकिल के बाद में क्या होगा, 50% हैवी और 50% हाइब्रिड। ये आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ना आफ्टर टू साइकिल के बाद में। अब काम की बात ये है कि एक और दो साइकिल को तो आप काउंट कर सकते हो, लेकिन आपके सामने साइकिल का नंबर ज़्यादा हो जाए, जैसे आपको दे दे कि एक्सपेरिमेंट से पहले अपने पास में जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड थे वो एन 14 वाले थे, लेकिन अब हमने इस डीएनए को निकाल के एन 15 वाले कल्चर मीडिया में शिफ्ट कर दिया, तो आफ्टर फाइव साइकिल हाइब्रिड स्ट्रैंड का रेशियो और हैवी डेंसिटी वाले का रेशियो क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने डाल दे आफ्टर फाइव साइकिल। इनका रेशियो क्या रहने वाला है ना, ये क्वेश्चन आ जाए आपके सामने। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि अगर आपने एन 15 वाले मीडियम में शिफ्ट कर दिया तो आपको कोई भी डीएनए आपको लो डेंसिटी वाला नहीं मिलेगा। तो लो डेंसिटी वाले कैसे हो गए, लो डेंसिटी वाले कितने मिलेंगे, जीरो, एक भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि टोटल डीएनए कितने मिलेंगे, तो आपको क्या करना है टोटल डीएनए के लिए, तो क्या करना है, 2n लगाना है ना। तो मैंने 5 साइकिल के बाद में पूछा है, तो 2 की पावर 5 लगाओगे तो ये होता है लगभग 32 हो जाएगा ना। तो टोटल तो अपने पास में 32 डीएनए बनेंगे अगर आपने शुरू में एक डीएनए लिया था तो। अब इन 32 में से लो डेंसिटी वाला तो एक भी नहीं है, हाइब्रिड वाले कितने रहेंगे, हमेशा ही दो रहेंगे ना, ये फिक्स है। चाहे आप N14 से N15 में शिफ्ट करो या N15 से N14 में शिफ्ट करो, ये हाइब्रिड वाले हमेशा इनका नंबर कितना रहने वाला है, दो रहने वाला है। अब बचे हैवी डेंसिटी वाले, तो हैवी वाले कितने होंगे, टोटल 32 थे, 32 में से दो घटाओगे तो 30 हैवी वाले मिलेंगे। तो अगर आपको नंबर पूछता है तो नंबर तो पूछेगा नहीं, आपको रेशियो पूछेगा या परसेंट पूछेगा। तो 30 डीएनए मिले हैं हैवी वाले, कितने में से, 32 में से, इनटू 100 कर सकते हो आप, ऐसे परसेंट निकाल सकते हो। अगर आपको दे दे कि 6 साइकिल के बाद में कितने परसेंट डीएनए अपने को हाइब्रिड डेंसिटी वाले मिलेंगे, तो पहले आपको ये पता करना है कि 6 साइकिल के बाद में टोटल डीएनए कितने होंगे। तो 6 के लिए आप क्या करोगे, 2 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 64। अब 64 में से दो तो रहेंगे हाइब्रिड वाले, ये तो फिक्स है, ये दो ही रहने हैं, लो वाला एक भी नहीं मिलेगा, और हैवी वाले कितने मिलेंगे, बाकी बचे सब हैवी वाले ही होंगे। तो 64 में से 2 घटाओगे तो ये बचेगा 62। तो परसेंट निकालना हो तो 62 अपॉन 64 इंटू 100,
तो आपको रेशियो मिल जाएगा। ये आपके मैसेल्सन स्टाइल का एक्सपेरिमेंट भी हो गया। ध्यान रखें, अगर नेट में स्टेटमेंट आता है तो आपको क्या बताना है कि जो N15 है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं होता। N15 क्या है, एक केवल हैवी आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। यहाँ पे इनको जब सेपरेट किया गया था तो इनको रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पर सेपरेट नहीं किया गया था, इनको ओनली किसके बेसिस पर सेपरेट किया गया था, इनके केवल लो डेंसिटी, हैवी डेंसिटी और इंटरमीडिएट डेंसिटी के बेस पर सेपरेट किया गया था, ना कि रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पर। तो अगर आपके पार्ट बी में ऐसा कोई दो नंबर का क्वेश्चन आता है तो मे होप आप उसको अटैम्प्ट करोगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अभी मिटा देता हूँ। आप जल्दी से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको बाद में उतार लेना। मैं होप आपने ना उतार लिया होगा। अभी इस वीडियो में तो ये इतना ही हो पाएगा, अपनी वीडियो 20 मिनट की हो गई है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो दूसरी वीडियो में हम अपलोड करेंगे। अभी आपको क्या कर लेना है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी आपको नेट से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है बिल्कुल। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऑफलाइन हमारी अकेडमी का एड्रेस है रेप्लिकॉन अकेडमी, टोंक फाटक, जयपुर। अगर आप कोचिंग में नहीं भी आना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सारा स्टडी मटेरियल जो हम कोचिंग में प्रोवाइड कराते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। बस उसके लिए आपको ये करना है कि हमारे एप्रिसिएशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, ताकि हमें और आगे ये ऐसी वीडियो बनाने के लिए एप्रिसिएशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, सेकेंड पार्ट हम इसका कल अपलोड करेंगे।